चंद्रपुरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत असून चंद्रपूरमध्ये काल 24 तासात 974 संक्रमित सापडले असून 10 बाधितांचा मृत्यू देखील झाला आहे। पेशेंटचे रिलेटिव को सब कुछ करता नहीं बोला जा रहे हाँ जो कुछ पीपीई किट नहीं कुछ भी नहीं आप सब कुछ नहीं किया पेशेंट के रिलेटिव को अपने हाथों से नहीं किया मास्क लगाओ ये लगाओ वो लगाओ सब कुछ पेशेंट को ही करा रहे रिलेटिव ने जो आपके कुछ अपने हाथों से ये कर रहे ना कोई डॉक्टर लोग यहाँ पे जाने दे रहे ना नर्स ध्यान दे रहे कुछ नहीं कर रहे ये हॉस्पिटल लेके क्या है ये फालतू में लेके कोरोना फैलाने के लिए चालू है। यात मृत व रुग्णांच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे की पर्याप्त ऑक्सिजन पुरवठा होत नसल्याने रुग्णांचा जीव जात असून तसेच येथे बेड उपलब्ध नाहीत तसेच व्हेंटिलेटरचे बेड देखील या ठिकाणी उपलब्ध नाहीत। मेरे भाई को है ना बुखार आया था कम ज्यादा होता करके मैंने सरकारी दवाखाने में ले गया। सरकारी दवाखाने में लाने के बाद में कुछ नहीं हुआ बोले तेरे भाई को दवा पानी चालू है बोले 4 दिन रखे और बाद में बोले कोविड की जो रिपोर्ट है वो हमने भेजे है बोले और ये 7-8 दिन के बाद में मिलेंगी बोले। बोला ठीक है कोई बात नहीं तो परसों के दिन 5वें दिन में क्या आ गई रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने तुरंत में वहाँ लाने के बाद में बोली इसको कोविड हो गया तो बोला ठीक है ये पॉजिटिव नहीं तो पहले जो नाक में डाले और बाद में मुंह में डाले तो नाक वाला बोले निगेटिव आया बाद में नीचे वाला पॉजिटिव आया बोला ठीक है तो वहाँ पे भी ये ऑक्सीजन है सर वो कभी 85 बताता कभी 100 बताता था सर 85 बताता कभी 100 बताता था कभी कभी उनका ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता था तो वो छाती उसकी उछल जाती थी फिर बाद में उसको लगा अच्छा पानी पिए के उसका खाना पीना पूरा टोटल बंद हो गया था सर फिर यहाँ पे लेने के बाद यहाँ ला गए डाल दिए यहाँ डालने के बाद में ये कोविड रुग्णालय में डालने के बाद में तुम मिलने का नहीं कुछ भी नहीं उसको दवा पानी दे रहे थे नहीं दे रहे थे ये कुछ भी पता नहीं है सर बिल्कुल। और आज खबर चली कि तुम्हारा भाई एकदम सीरियस है साइन मार दो बोले कागज पे ऑक्सीजन मिल रहा ही नहीं सर उसको सही में हकीकत में मैं बताता नहीं तो उछलता ही नहीं ना वो मिलता ही नहीं वो क्योंकि पूरा यानी देखते ही नहीं कस्टमर और हम जाके जब मिलने के देखे तो हम किट लगा के जाने को तैयार है हमारा कुत्ता पैदा करते तब हमको मिलने नहीं देते थे। और मेरा भाई है ना 40 साल का है 2 बच्चे हैं छोटे छोटे सर इसमें प्रशासनाने बेड उपलब्ध नाही असे फलक देखील लावले आहे। त्यात चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कोविड रुग्णालयात 33 व्हेंटिलेटर बेड व 130 ऑक्सिजन बेड उपलब्ध आहेत। मेरे पापा है जो पेशंट है वो मेरे पापा है और अभी वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है उनका विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन सैचुरेशन है 75-76 है ऑलमोस्ट और ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है और उनको अर्जेंटली वेंटिलेशन की जरूरत है लेकिन वो अभी वेंटिलेशन बेड बिल्कुल कहीं भी अवेलेबल नहीं ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो बहुत सीरियस कंडीशन है और वो अभी ऑक्सीजन पे है उनको अभी ऑक्सीजन पे रखा गया है उनको ट्रीटमेंट चल रहा है मतलब इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं टैबलेट्स प्रॉपर चल रहा है लेकिन उनकी इतनी सीरियस कंडीशन है उनको वेंटिलेशन की जरूरत है लेकिन नहीं मिल पा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उनके लिए ऑक्सीजन रेडिएशन आ रहा है कभी 75-76 दिखा रहा है कभी 80-82 दिखा रहा है ऐसे काफ़ी काफ़ी वेरिएशन है पल्स ऑक्सीमीटर में भी तो शायद हो सकता है कि ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो रुग्णांना बेड व व्हेंटिलेटर उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे। न्यूज 15 मराठीसाठी धम्मशील शेंडे चंद्रपूर। आता चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पण इतर जिल्ह्यातून रुग्णांची संख्या वाढत आहे। चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नजीकचे जिल्हे गडचिरोली यवतमाळ इवन नागपूर वर्धा या जिल्ह्यातूनही आपल्याकडे रुग्ण येत आहे शिवाय जवळच्या तेलंगणा राज्यातूनही आपल्या रुग्णालयात रुग्ण स्थानांतरित होत आहे। तर या परिस्थितीमध्ये रुग्णसंख्या आपल्याकडे वाढत आहे आणि आम्ही आमच्या रुग्णालयातील जे इतर विभाग होते त्यांना आम्ही WCL मध्ये काही स्थानांतरित केलेलं आहे आणि बाकी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये आम्ही स्थानांतरित करणार आहोत आणि या रुग्णालयात जितके जास्तीत जास्त बेड आम्ही कोविडसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतो त्याचे आम्ही पूर्णपूर प्रयत्न करत आहे। रुग्णालयामध्ये आमचे 240 बेडची आम्ही कॅपॅसिटी ठेवलेली आहे त्याच्यामध्ये आमचे 50 ICU बेड आहे आणि 130 ऑक्सिजन बेड आहे आणि 60 नॉन ऑक्सिजनेटेड बेड आहे तर टोटल 240 बेड आमच्या रुग्णालयात आहे। तरी पण आम्ही इतर विभाग दुसरीकडे स्थानांतरित करून मॅक्सिमम बेड ऑक्सिजनचे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे। आता 240ची आमची कॅपॅसिटी आहे
पण पुन्हा आम्ही 50 बेड अतिरिक्त वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवाय वुमन्स हॉस्पिटलमध्ये लवकरच 100 बेड कार्यान्वित होऊन ते पण रुग्णसेवेसाठी आम्ही देऊ.